देश भर में आगामी चुनावों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन चुनाव के साथ आम लोगों की निगाहें संसद पर हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए इंटरिम बजट पेश करने वाली हैं। ये छठा बजट पेश करके वो एक इतिहास रचने वाली हैं। अंतरिम बजट एक तरह का वित्तीय खाका होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि नया प्रशासन कार्यभार संभालने तक किस तरह आर्थिक रूप से काम करने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बजट का क्या अर्थ होता है और ये कितने प्रकार का होता है। बजट का सीधा सा अर्थ है खर्च और कमाई का पूरा गुणागण, या और साधारण भाषा में कहें तो लेखा जोखा। केंद्र सरकार जो पेश करती है उसको हम यूनियन बजट, आम बजट या केंद्रीय बजट भी कहते हैं, क्योंकि ये बजट पूरे देश को लेकर बनाया जाता है। भारत में बजट मुख्य तौर पर 3 कैटेगरीज के अंडर आता है, जिसमें संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट, दैट मीन्स बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट शामिल हैं। बजट का क्लासिफिकेशन इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार द्वारा वर्ष भर में एस्टिमेटेड खर्च एस्टिमेटेड प्राप्तियों के बराबर है, उससे कम है या अधिक है। अब समय है नजर डालने का कि क्या होता है अंतरिम बजट और ये कब तक मान्य रहता है। चुनावी साल में सरकार फुल बजट पेश नहीं करती, इस दौरान इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाता है। ये आम बजट से कई मामलों में बहुत अलग होता है। आम चुनावों के साल में केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत के कुछ महीनों के लिए इंटरिम बजट पेश किया जाता है। इसमें नई सरकार के फॉर्मेशन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें मार्केट में निवेशकों का भरोसा बना रहे। ये बजट तब तक लागू रहता है जब तक कि नई सरकार अपना नया पूर्ण बजट नहीं पेश कर देती है। इंटरिम बजट में केवल उतने फंड का प्रावधान होता है जब तक कि नई सरकार चुनकर ना आ जाए। इंटरिम बजट के जरिए संसद आम चुनाव से पहले जरूरी सरकारी खर्चों जैसे कि वेतन, विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे खर्च आदि के लिए वोट ऑन अकाउंट पारित करती है। इससे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया जाता है। यह आमतौर पर 2 महीने तक के लिए वैध होता है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।